राम दोस्तों, राम राम दोस्तों। इस समय दिल्ली में अवैध रूप से मजारे बनने का क्रम लगातार जारी है। ये देखिए, दिल्ली के बड़े ही वीआईपी इलाके में एक और मजार बन चुकी है और सामने ही पुलिस का बूथ है। बीट कांस्टेबलों से अगर पूछा जाए तो वो भी नहीं बता सकते कि ये मजार कब बनी, किसके द्वारा बनी और किसके नियमों के विपरीत बनी। और ये मजार है जिसका सीधा सजीव लाइव प्रसारण है। ये सामने भगवान दास रोड है जो सीधा सिविल लाइन की तरफ जाता है और ये सिविल लाइन क्षेत्र है। और सामने आईएसबीटी बस अड्डा है और ये इधर ही स्थानीय पुलिस बूथ है जहाँ पुलिसकर्मी 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं यातायात से लेकर सिविल थाने तक। और ये सीधा मजार का लाइव प्रसारण। दिल्ली एमसीडी से लेकर दिल्ली नगर निगम सभी से मेरी पूछताछ है कि ये झुग्गी और ये मजार किसके आदेशों से और कब बनी है, इसका सीधा सजीव प्रसारण दिखाएं। ये मजार है और ये झुग्गी है। अब ये धीरे धीरे पक्का होता जाएगा और उसके बाद फिर एक ये बहुत बड़ा धार्मिक और चुनावी मुद्दा भी बन जाएगा, सीधा सजीव प्रसारण। सभी दिल्ली वासी इसको शेयर करें। सिविल लाइन क्षेत्र में कश्मीरी गेट की तरफ आते हैं तो ये मजार है और ये मामला मीडिया की तरफ से उठाया जा रहा है, दिल्ली में दिखाया जाए। देखिए, ये महिला इसका विरोध कर रही है। ये देखिए, ये अवैध शरणार्थियों ने धीरे धीरे दिल्ली में कब्जा किया। जय हिंद, जय भारत, राम राम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।